आज हिमाचल प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाने का मौका मिला। हमारे बहुत से आम जनता ने श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो भवन मजदूर और साथ में जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर हैं उनकी जो एनलिस्टमेंट की जाती है और सरकार के द्वारा जो उनको सहायता दी जाती है विभिन्न प्रकार की, उसके लिए जो यहाँ पर पिछले एक वर्ष से फॉर्म भर के दिए गए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज एक वर्ष के अंतराल के बाद भी कल्याण बोर्ड के जो अधिकारी हैं LIA हैं उन्होंने उन कॉपियों के ऊपर साइन नहीं किए हैं जो इंटक के द्वारा भरी गई है। ये बहुत ही शर्मनाक और चिंता का विषय है कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है इसकी हम निंदा करते हैं। और आज हम कार्यालय में आए थे तो कार्यालय में आकर वहाँ पर देखा कि LIA साहब ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर नहीं है और उनसे दूरभाष पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी शायद पता नहीं मुझे कितना और टाइम छुट्टी पे रहना पड़े कि कुछ बीमार चल रहे हैं। लेकिन ये बात समझ से परे है कि बीमार होने के बावजूद LIA के साइन की हुई कॉपियाँ जो मजदूर संघ के द्वारा बनाई जा रही हैं उसके ऊपर LIA के सिग्नेचर कैसे पहले से हो गए हैं ये जांच का विषय है। और इस प्रकार से जो एक तरफा जो कार्रवाई चल रही है और प्रदेश सरकार के प्रभाव के चलते जो मजदूर संघ को अधिमान दिया जा रहा है तथा जो अन्य हमारे कामगार बोर्ड से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इंटक है चाहे वो सीटू है, उनके द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी कापियां आज दिन तक नहीं बनाई जा रही हैं, जिससे जनता में बहुत रोष है और आम जनता को प्रेरित किया जा रहा है उनको फोन के और दूरभाष के माध्यम से जो मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जाकर उनको बोल रहे हैं कि ये इंटक और सीटू के द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं ये फर्जी हैं, आप हमारे पास आओ हम एक हफ्ते के अंदर आपको कॉपी बनाकर दे देंगे। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और जो संस्थाएं इसमें एनलिस्ट हैं, जो संस्थाएं काम करने के लिए सरकार ने और बोर्ड ने जिनको मान्यता प्रदान की है, आज उसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार के ये जो कार्यशैली है इससे जहां आम जनता को भारी परेशानी हो रही है वहीं जो अन्य संस्थाएं हैं इंटक और सीटू उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी पशोपेश में है। और जहां तक इंटक की बात है, आज मैं स्वयं इंटक के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में गया था, हमीरपुर में किसी कारणवश किसी कार्यक्रम में आया हुआ था तो वहाँ पर ये लोग मुझे मिले और उन्हें आग्रह किया कि हमारे साथ हम वहाँ चलें। यहाँ पर आए तो यहाँ देखा कि ना तो यहाँ कोई ऑफिस का माहौल है और फाइलें जो हैं इधर उधर बिखरी हुई हैं, ना तो सैकड़ों फाइलें जो हैं वहाँ वो ज़मीन के ऊपर बिखरी हुई हैं, ना तो उनको रखने के लिए कोई प्रॉपर रैक है और ना ही उनको प्रॉपर जो है उसका कोई इंतजाम है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार केवल मात्र ढकोसलों की सरकार है, घोषणों की सरकार है और जनता को जो है ये परेशान करने वाली सरकार है और इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। और इसके चलते आज उन्होंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर जो पुरानी जितनी भी पेंडेंसी है उसको समाप्त करेंगे, यदि वो समाप्त नहीं हुई तो एक हफ्ते के बाद जो है हमारे जो इंटक की जो संस्था है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेगी और घेराव करेगी इस कार्यालय का। इंस्पेक्टर के साइन नहीं हुए हैं तो हमें जो काफ़ी परेशानी आ रही थी लोगों की, क्योंकि लोगों को कॉपियां नहीं मिली एक साल से, तो आज हमारे विधायक लखनपाल जी हमीरपुर आए हुए थे तो आज हमने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे साथ चलें ताकि उन लोगों के साथ जो है वो हम बात उन लोगों के जो उनको परेशानी आ रही है उसके बारे में लेबर इंस्पेक्टर के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन आज जब हम यहाँ कार्यालय में आए तो लेबर इंस्पेक्टर जो थे वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे और अभी उन्होंने एक बार फिर से हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर
हम जो है वो पेंडेंसी जो पिछले एक साल से चल रही है उसको हम ख़त्म करेंगे। अगर ये हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी फाइल्स हैं उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं होते हैं तो आगामी आने वाले नेक्स्ट वीक में हम जो है इस कार्यालय का घेराव करेंगे और उन सभी लोगों को एकत्रित करके जिनकी कॉपियां हमने यहाँ रजिस्टर होने के लिए दी हैं उन सभी को ले आ करके जो है यहीं सामने सिग्नेचर करवाएंगे। धन्यवाद।